मानव उत्थान सेवा समिति एक आध्यात्मिक व सामाजिक संस्था है जो संपूर्ण विश्व में आध्यात्मिक जन जागरण, मानव मात्र के समग्र उत्थान तथा उच्चतम मूल्यों एवं मानवीय सद्गुणों को स्थापित करने के लिए संकल्पबद्ध है। संस्था का मुख्य उद्देश्य है मनुष्य में श्रेष्ठ जीवन के आदर्शों का आरोपण, सर्वधर्म संभाव, ईश्वर प्रेम, ज्ञान, भक्ति, योग तथा विश्व बंधुत्व और समाज में निष्काम सेवा भाव का प्रचार प्रसार करना। ये संस्था समाज में प्रचलित कुरीतियों को खत्म कर सुशिक्षित, सुसंस्कृत एवं उन्नत सभ्य समाज के निर्माण हेतु प्रतिबद्ध है। मानव धर्म के प्रणेता सद्गुरुदेव श्री सतपाल जी महाराज इस समिति के प्रेरक हैं, जिनकी प्रेरणा से समिति के हजारों सन्यासी साधु साध्वीगण न केवल भारत अपितु विदेशों में भी व्यापक स्तर पर बिना किसी जाति, संप्रदाय और भाषा आदि भेदभाव के मानव मात्र के हृदय में स्थित ज्योति स्वरूप सच्चिदानंद परमात्मा का व्यवहारिक बोध कराने के लिए निरंतर प्रयासरत है। और इस पावन उद्देश्य की पूर्ति हेतु ये साधुजन कभी घर घर जाकर छोटे स्तर पर आध्यात्मिक सत्संग और कभी विशाल स्तर पर सामूहिक सद्भावना संत सम्मेलनों का आयोजन करते हैं। मात्र इतना ही नहीं, संस्था से जुड़े हजारों कार्यकर्ता भी निस्वार्थ भाव से जन कल्याण के कार्यों जैसे पर्यावरण सुरक्षा, स्वच्छता अभियान, वृक्षारोपण और प्राकृतिक आपदा जैसे बाढ़, भूकंप इत्यादि और अब कोरोना जैसी विकट महामारी के समय पर बड़े पैमाने पर वस्त्र तथा भोजन सामग्री वितरण के साथ निःशुल्क चिकित्सा एवं दवाइयों का प्रबंधन व वितरण और क्वारंटाइन सेंटर आदि राहत शिविरों का कुशलता पूर्वक सफल संचालन व निर्वहन कर रहे हैं। संस्था ने देश विदेश के सुदूरवर्ती ग्रामीण इलाकों व शहरों में आर्थिक रूप से असमर्थ निर्धन परिवारों के बच्चों में निःशुल्क शिक्षा सामग्री वितरण कर गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज कराया है। संस्था की तरफ से समाज सेवा का ये कार्य आज भी निरंतर जारी है। निवेदन ये है कि जो सज्जन संस्था के साथ सम्मिलित होकर सामाजिक हित एवं मानव की कल्याणकारी सेवा में सहभागी बनकर अपना योगदान देना चाहते हैं, वे संस्था के QR कोड को स्कैन कर अपनी सहभागिता दर्ज करके पुण्य लाभ अर्जित कर सकते हैं। नमस्कार। मानव उत्थान सेवा समिति द्वारा आयोजित वीकली वर्चुअल सत्संग कार्यक्रम एपिसोड 7 में आप सबका हार्दिक स्वागत और आज के हमारे नए श्रोताओं का विशेष रूप से अभिनंदन। सज्जनों, जैसे कि आपको मालूम है, प्रत्येक सप्ताह हम सायंकाल 4:30 बजे से 6 बजे तक प्रत्येक रविवार को यह सत्संग कार्यक्रम प्राप्त होता है। इस सत्संग कार्यक्रम के अंदर आइए शुरू करते हैं गुरु वंदना से। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर् विष्णु गुरुर् देवो महेश्वर गुरुर् साक्षात् पारब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। जैसे कि आपको विदित है कि श्रद्धा और विश्वास के साथ यदि समर्पण भी जीवन में आ जाए तो जीवन नई ऊंचाइयों को प्राप्त करता है। और इसी प्रकार से जब एक भक्त का श्रद्धा, विश्वास, समर्पण श्री गुरु महाराज जी के श्री चरणों में होता है तो उसके जीवन में आध्यात्मिक ऊंचाइयां प्राप्त होती है और जीवन आनंदित हो जाता है। इसी भाव को रखते हुए संत ब्रह्मानंद जी ने गुरु वंदना की रचना की, जिसके बोल है गुरु चरण कमल बलिहारी रे। और आज गुरु वंदना प्रस्तुत कर रहे हैं श्री जयराम शर्मा जी हरियाणा से। आइए श्री जयराम शर्मा जी के द्वारा प्रस्तुत गुरु वंदना का आनंद लें।
बोलो सतगुरु देव महाराज की जय। गुरु चरण कमल बलिहारी रे, गुरु चरण कमल बलिहारी रे, मेरे मन की दुविधा तारी रे, गुरु चरण कमल बलिहारी रे। गुरु वंदना की सुंदर प्रस्तुति के लिए जयराम शर्मा जी का धन्यवाद। हमारे जीवन में सकारात्मक भाव का होना बहुत ही महत्वपूर्ण भाग है, और जिसका जीवन सकारात्मक विचारों से परिपूर्ण होता है वो हमेशा जीवन में ऊंचाइयों को प्राप्त करता है। और सकारात्मक जीवन सत्संगत, सत्साहित्य एवं अनुभवी संत महात्माओं के विचारों से हमें प्राप्त होता है। यह हमारा आज सौभाग्य है कि हमें
महात्मा व्योम भाई जी, जो आध्यात्मिक जगत में श्री गुरु महाराज जी की कृपा से बहुत समय से सत्संग प्रचार कर रहे हैं, वो अपने अनुभवी विचारों के द्वारा हमारे को आनंदित करेंगे। मैं प्रार्थना करूंगा महात्मा व्योम भाई जी से कि वो अपने सद विचार और अनुभव हम सबको सुनाए और हम उससे आनंद प्राप्त करें। महात्मा व्योम भाई जी। प्रेम से बोले श्री सद्गुरुदेव महाराज की जय। मेरे प्यारे भाइयों बहनों एवं माताओं, आज का समय बहुत ही विचित्र चल रहा है, जिसको कलयुग कहा गया, ये वो भीषण समय चल रहा है। ऐसे में एक व्यक्ति हर तरफ देखो तो अशांति छाई हुई है, समस्याओं से घिरा हुआ यह समय है। उसमें कोरोना जैसी भयंकर महामारी ने आक्रमण मानवता पर किया हुआ है। ऐसे में हमें ऋषि मुनियों का वो संदेश याद आता है कि हमारे दिव्य दृष्टा ऋषि मुनि आज से 500 या 600 साल पहले सूरदास जी हुए हैं, बहुत बड़े संत थे। उन्होंने ये बात पहले ही बता दी कि आने वाला जो समय भविष्य कैसा होगा। उन्होंने कहा था कि संवत 2000 के ऊपर ऐसा योग पड़े, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण चहुदिशी काल फिरे, काल व्याल से वही बचे जो हंस का ध्यान धरे। तो अब हमें ये समझना है कि वो हंस का ध्यान, हंस का मतलब क्या है। ये एक रहस्यमय भाषा में संतों का कहना होता है। आप नॉस्टरडैम की भविष्यवाणियाँ ही देखिए, रहस्यमय भाषा में वो लिखी हुई है। उनका अर्थ है, उनको डिकोड करना, उनका अर्थ बताना, इसके लिए बहुत ही चिंतन और ध्यान की आवश्यकता होती है। तो सूरदास जी ने जो कहा कि काल व्याल से वही बचे जो हंस का ध्यान धरे, तो हंस किसे कहा गया? हंस हमारी आत्मा है। आत्मा का ध्यान करने की बात हमारे ऋषि मुनियों ने कही है, हमारे वेदों में, शास्त्रों में, पुराणों में, गीता में, सब जगह आत्मज्ञान की चर्चा है। यह आत्मज्ञान क्या है? आत्मज्ञान का मतलब है अपने आत्मा का ज्ञान। और आज हम दुनिया में अनेक प्रकार के ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं, हम तरह तरह के क्लासेस लगाते हैं, कई कोर्सेस करते हैं, कई प्रकार का ज्ञान आज हमें प्राप्त दुनिया में हो जाता है। जैसे कंप्यूटर सीखना हो तो कंप्यूटर क्लास लगाओ, जैसे भविष्यवेत्ता बनना है तो ज्योतिष का क्लास लगाओ, ब्यूटिशियन का कोर्स करो, अनेक प्रकार की कलाएं, ज्ञान, नॉलेज हमें तरह तरह के यूनिवर्सिटीज़ में मिल जाता है, तरह तरह के क्लासेस में मिल जाता है। लेकिन आज तक हमने कभी, इतने हम बुद्धिमान होकर भी, हम चंद्रमा पर भी चले गए, हमने चंद्रयान चंद्रमा पर भेजा है, और अमेरिका और चाइना भी मंगल ग्रह तक भी, भारत भी मंगल ग्रह की परिक्रमा कर चुका है अपना यान भेजकर। हम मंगल ग्रह की सतह पर क्या हैं इसके बारे में नॉलेज प्राप्त कर रहे हैं। हम समुद्र के तलटी में पनडुब्बी ले जाकर वहाँ का ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं कि वहाँ क्या है, वहाँ कैसे जीव है, वहाँ क्या क्या चीज़ें हैं। लेकिन कभी हमने अपनी खुद के ऊपर, कभी खुद के ऊपर विचार नहीं किया कि ये जो बॉडी हमें भगवान ने शरीर ये दिया हुआ है, ये शरीर को कैसे हम चला, कैसे ये शरीर चल रहा है। क्योंकि हम देखते हैं कि हमें पता भी नहीं होता हमारी श्वास चल रही है, ऑटोमेटिक चल रही है। हमें जब देखना होता तो हम आंखों से फोकस कर लेते हैं किसी चीज़ पर, तो वो चीज़ हमें दिखाई देती है। अगर सुई में धागा डालना है तो हम उसमें फोकस करते हैं, सुई में धागा डाल लेते हैं। हमें दूर का देखना है तो हमें
दूर का दिख जाता है, हम दूर फोकस करते तो दूर, हमारी आंखें दूर फोकस कर लेती है तो दूर की वस्तुएं दिखाई देती है। और जब हम चलते हैं तो हमें पता ही नहीं होता कि हमारे बस मन में आता है कि अब हमें चलना है तो हम चलना शुरू कर देते हैं, लेकिन कभी हमने सोचा कि शरीर बैलेंस कैसे बना रहा है? अगर आप दो बांस के बाम्बू को बांध दो और खड़ा करो तो वो तुरंत गिर जाएगा। उसको स्टेबल बनाने के लिए तीन बांस जब हम बांधेंगे तभी वो स्टेबल हो पाएगा, पर हम तो दो ही पैरों पर चल रहे हैं, तो ये कैसे बैलेंस हम आपस में बना रहे, इसमें कितने स्नायु इन्वॉल्व हैं, उनका हमारे मस्तिष्क के द्वारा संचालन हो रहा है, इतना बारीकी से हो रहा है कि इतना व्यवस्थित तरीके से हो रहा है कि हम दौड़ते भी हैं, चलते भी हैं, फिर भी हम गिरते नहीं हैं, तो ये शरीर का बैलेंस हमारा कैसे बन रहा है? हमारा अन्न पचता है, पता ही नहीं, हम खाए जाते हैं पर अंदर एक सिस्टम बनी हुई है जो अन्नों को पचाती है। ये सारा शरीर का व्यवहार व्यापार देखकर मन में आता है कि ये एक परफेक्ट मशीन बनी हुई है, पर हमने कभी विचार नहीं किया कि ये मशीन किसने कैसे बनाई, किसने डिजाइन की। हम बस दुनिया में ये मशीन हमें मिल गई, अब दुनिया में हम भौतिकता में अपने आप को रमा लिया और आकाश, सुदूर आकाश को देखने लग गए टेलीस्कोप के द्वारा कि वहाँ क्या है, पर पहले विचार करना चाहिए हमारे अंदर क्या है, हमारा ये शरीर चल कैसे रहा है। डॉक्टर के पास जाओ, उनको कहो कि भाई इंसान जिंदा कैसे रहता है, तो डॉक्टर कहता है कि सबसे पहले जो है हमारे फेफड़े एक्सपांड होते हैं, कॉम्प्रेस होते हैं, उससे जो है ऑक्सीजन अंदर खींची जाती है, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर फेंकी जाती है, और उसी धक्के से हार्ट को पंपिंग की क्रिया मिलती है, तो हार्ट पंप करता है तो ब्लड फ्लो होने लगता है हमारे सारे शरीर के वेंस में। तो डॉक्टर इस तरह से एक्सप्लेन करते हैं, पर किसी डॉक्टर को कहा जाए कि सबसे पहले ये जो हमारा फुफ्फुस है, फेफड़ा है, हमारे लंग्स है, वो कंप्रेस और एक्सपांड जो कर रहे हैं वो कब से कैसे करना शुरू हुआ? पेट में, गर्भ में जब बच्चा होता है तो उसके फेफड़े जैसे ही वो जन्म लेता है, सारी सिस्टम बन के तैयार रहती है, जन्म लेते ही वो श्वास लेता है और वो सिस्टम शुरू हो जाती है श्वास लेने की। तो वो एक साधारण घर में इंस्ट्रूमेंट देखो, बिजली का पंखा देखो, बटन लगाओ, बिजली जब जाएगी करंट प्राप्त होगा तभी वो पंखा घूमेगा, फ्रिज में करंट लगाओ तभी फ्रिज ठंडा होना शुरू हो जाएगा, उसकी प्रक्रिया शुरू हो जाएगी, टेलीविज़न ऑन तभी होगा जब हम करंट से उसे ऑन करेंगे। लेकिन कभी विचार किया है कि ये पूरा हमारे शरीर का जो इतना बड़ा इंस्ट्रूमेंट है, ये मशीन जो है, इसको करंट कहाँ से मिल रहा है? क्या बगैर किसी एनर्जी के, बगैर किसी करंट के कोई चीज़ अपने आप चलने लगती है? बिल्कुल नहीं चलती। तो इसीलिए हमें ये समझना है, अपने आप पर जरा बारीकी से हमें देखना है, अंतर्मुखी होना है कि वो कौन सी शक्ति है, वो कौन सी बैटरी है, कौन सी एनर्जी है जो हमारे अंदर है, जिससे कि हमारे शरीर की प्रक्रियाएं चलन वलन शुरू है, अनेकों ऑर्गन्स है हमारे शरीर में, सब काम कर रहे हैं। तो वो एनर्जी को जानने की बात वेदों में कही गई, उसी को आत्मा कहा गया, कहा कि जो आत्मा है हमारे, वो शक्ति पुंज है, प्रकाश पुंज है, अव्यक्त है, अगोचर है, वो हम उसको बता नहीं सकते, या उसको तुम्हें किसी भी इंस्ट्रूमेंट में तुम उसको पकड़ नहीं सकते, वो अव्यक्त है। तो उसे किस ढंग से हम उससे का साथ कनेक्ट हो सके, कब कैसे देखें हम आत्मा को, तो उस आत्मा को देखने की प्रक्रिया को कहा गया आत्मदर्शन। और बड़े बड़े ऋषि मुनि इस आत्मदर्शन की प्रक्रिया को अपने सदगुरु से प्राप्त करते थे, और वो आत्मदर्शन करने की विधि वो अपने गुरु से जान लेते थे। आत्मा के दर्शन बना करवाने वाले गुरु को ही सद्गुरु कहा जाता है। ऐसे तो गुरु बहुत दुनिया में हैं, हम तो आजकल कहा जाए तो ये जो मवाली या डॉन लोग होते हैं वो भी अपने मास्टर को गुरु ही कहते हैं,
कहते कि अरे गुरु बताओ कहाँ डाका डालना है। तो ऐसे तो गुरु दुनिया में बहुत है, पर आध्यात्मिक नॉलेज, आध्यात्मिक ज्ञान देने वाला, स्पिरिट का, आत्मा का ज्ञान देने वाला गुरु, उसको सद्गुरु कहा गया। और जीवन में सद्गुरु बड़े भाग्य से मिलता है, हर किसी को सद्गुरु नहीं मिलता, क्योंकि सद्गुरु हमारे जीवन में तब आते हैं जब हमारी एक आत्मा की एक लेवल पार होती है, हमारे संस्कार उस योग्य जब बनते हैं, हमारे अच्छे पॉजिटिव विचार, पॉजिटिव संस्कार, अच्छे संस्कार जब हमारे उत्पन्न होते हैं, प्रकट होते हैं, तब एक सद्गुरु खींचा आता है और हमें ऐसे आत्मज्ञानी सद्गुरु के दर्शन होते हैं। उसके लिए हमें पहले तैयार होना पड़ता है, हमें अपने विचारों में शुद्ध होना पड़ता है, हमारे संस्कारों की पूंजी जब उसके चरम तक पहुंचती है, अच्छे संस्कारों की, शुभ संस्कारों की, हमने जो पुण्य कर्म पिछले जन्मों में किए हैं, चाहे दान किया है, चाहे सेवा की है किसी की, चाहे परोपकार किया है, चाहे गरीबों की मदद की है, शुभ विचार, शुभ संस्कार, शुभ कर्म हमने किए हैं अगर, तो वो सारे इकट्ठा जब उनका परिणाम आता है, तब वो परमपिता परमात्मा उस जीवात्मा के जीवन में सद्गुरु को भेज देता है कि अब इस जीवात्मा के उत्तम कर्म और संस्कार जागृत हो गए हैं, अब इसे वो, अब ये सद्गुरु के द्वारा दिया जाने वाला परम ज्ञान अब ग्रहण कर सकेगा। जब वो घड़ी आती है तभी सद्गुरु जीवन में हमारे आते हैं, और इसीलिए जब सद्गुरु जीवन में आते हैं तो उसे कहा गया कि वो तो वो दिन वो समय सोने के स्वर्णाक्षरों के द्वारा लिखा जाने वाला एक महान दिन बन जाता है। इसीलिए तुलसीदास जी भी एक बहुत बड़े महान संत हुए हैं जिन्होंने रामचरितमानस की रचना की है। तुलसीदास जी कहते हैं पहले मैं एकदम साधारण व्यक्ति था, एक ऑर्डिनरी, एक साधारण पर्सन, लेकिन क्या हुआ, तुलसी तुलसी सब कहे तुलसी बन की घास, हो गई कृपा राम की तो बन गए तुलसीदास। तो तुलसीदास जी कहते हैं कि जब प्रभु की कृपा हुई तब मैं तुलसीदास बना, उसके पहले तो मैं एक साधारण इंसान था और बड़ा गरीब व्यक्ति था। तुलसीदास जी बड़े गरीब थे और माँ बाप से विहीन थे, अनाथ थे, उनकी बुआ ने उनको पाला, एक दिन वो भी मर गई। ऐसे में राम मंदिर के किसी जो कि पैड़ियों पर वो बैठे हुए थे तो संत नरहरिदास जी ने उनको देखा, ये अनाथ लड़का है, उन्होंने कहा मेरे साथ चलेगा, तो तुलसी जी तैयार हो गए। नरहरिदास उनको अपने कुटिया पे ले आए, उन्हें सेवा का पाठ पढ़ाया, उन्हें ज्ञान की चर्चा सुनाई, उन्हें शास्त्रों के बारे में उनके साथ चर्चा करी, उन्हें संस्कार दिए। धीरे धीरे तुलसीदास जी बड़े हुए तो उनके गुरु महाराज नरहरिदास जी ने उनको आत्मा का ज्ञान प्रदान किया, ट्रांसफर किया। और जब आत्मा का ज्ञान तुलसीदास जी को प्राप्त हुआ तो वो चकित हो गए, उन्होंने कहा जिस राम को मैं मंदिर में देखता था, पूजता था, उस राम की मूर्ति को मैं समझता था राम कोई आकाश में रहने वाली, भगवान तो स्वर्ग में रहते हैं, आकाश में रहते हैं, ऊपर लोक में रहते हैं, लेकिन आज उसी परमपिता परमात्मा प्रभु के राम के रूप में दर्शन मैंने अपने अंदर किए, मेरे आत्मा में मैंने उनके दर्शन किए, मेरा आत्मा उन्हीं का स्वरूप है, उन्हीं का प्रकाश है मेरी आत्मा। और उन्होंने अपने गुरु की महिमा गाई। जब उन्होंने रामचरितमानस की रचना की तो उनकी उम्र 70 हो गई थी, अनेक चढ़ाव उतार जीवन में आए, लेकिन अपनी गुरु की महिमा सर्वप्रथम उन्होंने रामचरितमानस में की है। उन्होंने कहा कि बंदो गुरुपद कंज, कृपा सिंधु नर रूप हरि, महामोह तम पुंज, जासु वचन रवि करनी कर।
कि मैं अपने गुरु महाराज के चरणों की वंदना करता हूँ ये ग्रंथ लिखने से पहले, क्योंकि सर्वप्रथम उन्हीं ने मुझे ही अपनी आत्मा का दर्शन करवाया, मेरी दिव्य दृष्टि को खोला ताकि मैं उस रामायण के गर्भित रहस्यों को समझ सकूं, प्रभु राम के क्रियाकलापों के पीछे का गहन अर्थ समझ सकूं। तो उनकी दिव्य दृष्टि खुल गई गुरु कृपा से, उन्होंने रामचरितमानस की एक अद्भुत रचना पेश की। आज हजारों सालों से, सैकड़ों सालों से रामचरितमानस जनमानस में प्रचलित हो गया, लोगों के दिल में बस गया रामचरितमानस। प्रभु राम के संस्कार, आदर्श, उन वहाँ अनेक प्रकार के ज्ञान से ओतप्रोत संवाद, इतना अद्भुत ग्रंथ तुलसीदास जी ने लिखा, इतना ज्ञान उनके अंदर कैसे प्रकट हुआ। तो उन्होंने कहा, मेरे गुरु महाराज जी की कृपा जब हो गई तो ये ज्ञान मेरे अंदर प्रकट हुआ, मुझे मेरी आंखों के सामने हर वो चीज़ दिखने लगी जो प्रभु राम के, जो मन तक वो इस प्रकार से कि प्रभु राम के मन की भाव क्या होते वो समझने लगे। तो इसीलिए कहा कि प्रभु राम के मन के भाव उन्होंने समझ लिए उस आत्मज्ञान के द्वारा। तो ये साधारण बात नहीं है, क्योंकि गुरु महाराज जी हमें अपने जैसा बनाते हैं। कहा कि गुरु कर ले आप समान, कीट न जाने भृंग को गुरु कर ले आप समान। गुरु महाराज जी ने सुनाया, कल ही सत्संग था, कि पारस जो होता है वो लोहे को सोना कर देता है, उसमें इतनी कैपेसिटी है कि वो लोहे का जो एटॉमिक स्ट्रक्चर है वो चेंज कर देता है और उसे सोने में परिवर्तित कर सकता है। लेकिन संतों ने ये कहा है कि गुरु महाराज जब एक जीव को प्राप्त होते हैं, मिलते हैं, तो गुरु महाराज जी तो उस जीव को अपने जैसा बना लेते हैं, एक स्वरूप हो जाते हैं गुरु महाराज जी और उनका भक्त। गुरु महाराज जी के मन की बात एक भक्त समझने लगता है, उनके विचार समझने लगता है। जब गुरु महाराज जी से उसकी लगन लगती है, उसका प्रेम होता है, गुरु भक्ति में जो अग्रसर होता है, तो संत कहते हैं कि फिर गुरु महाराज जी अपने अंदर क्या सब कुछ उसको प्रदान कर देते हैं, वो दिव्य और गुह्य ज्ञान, आत्मज्ञान उसको प्रदान कर देते हैं, अपने जैसा उसको उच्चतर लोगों में उसकी गति कर देते हैं। तो इसीलिए गुरु का जीवन में बहुत महत्व है और हमें उसके लिए योग्य बनना, पात्र बनना पड़ेगा। गुरु ज्ञान अगर हमें प्राप्त करना है तो उस तरह का हमें अपना परिवर्तन करना पड़ेगा। हमारे अंदर जो गंदगी है, मन की विकार है, उनको समाप्त करना पड़ेगा, क्योंकि कहते हैं कि शेरनी का दूध केवल सोने के पात्र में ही टिकता है, अगर किसी और पात्र में रख दो तो वो पात्र ही फट जाता है। इसी तरह ये परम गुह्य आत्मज्ञान एक दिव्य रसायन है, इसे अगर हम हृदय में धारण करना चाहते हैं तो हृदय पवित्र होना चाहिए, निश्चल निष्कपट होना चाहिए। अगर हमारे मन में जरा भी कपट, छल, पाप, दुर्भावनाएं हैं तो ये आत्मज्ञान फलीभूत हो ही नहीं सकता। इसीलिए ये बहुत रेयर है, दुर्लभ है। और गीता में तो कृष्ण भगवान अर्जुन से कहते हैं कि मनुष्याणाम सहस्त्रेषु कश्चिद् येतति, कि सहस्त्र मनुष्यों में कश्चिद् येतति सिद्धये, यततम अपि सिद्धानाम कश्चिन् वेत्ति तत्वतः, कि हजारों मनुष्यों में से कोई कोई ही इस ज्ञान के रास्ते पर आगे बढ़ता है, उन हजारों आगे बढ़ने वालों में से कोई कोई ही सिद्धि को प्राप्त करता है, उन हजारों सिद्धि को प्राप्त करने वालों में कोई एक ही यथार्थ रूप से मेरे स्वरूप को पहचानता है। तो इसलिए दुनिया में जटाधारी, गद्दीधारी, मठधारी बहुत है और प्रवचन देने वाले भी बहुत हैं और सुनाने वाले भी बहुत हैं, सुनने वाले भी बहुत हैं। लेकिन मांडुक्य के उपनिषद में एक बहुत गहन बात कही गई है, नायम आत्मा प्रवचनेन लभ्यो न मेधया न बहुना श्रुतेन,
यम एवैश वृणुत तेन लभ्यस तस्मैश आत्मा विवृणुते स्वाम। कि ये जो आत्मा है, हम सोचते हम आत्मा को जानेंगे, हम आत्मा को पहचानेंगे, हम आत्मा की ध्यान साधना करके आत्मा को समझेंगे, लेकिन कहा कि हम आत्मा को समझने वाले नहीं हैं, आत्मा स्वयं हमारा वर्णन करेगी। अगर हमने अपने आप को शुद्ध किया विचारों से, आचरण से, तो आत्मा खुद हमारा जैसे स्वयंवर होता है, द्रौपदी ने अर्जुन को वर्णन किया, इसी तरह ये आत्मा हमें वर्णन करेगी। ये न प्रवचन से प्राप्त होता है, न बहुत कुछ तरह तरह का इधर से उधर, यहाँ भी सुना वहाँ भी सुना, उस गुरु के पास भी चले गए वहाँ भी चले गए। लोग 10 गुरुओं के पास जाते हैं, हमने कहा अपने मन को स्थिर करो, किसी एक गुरु के पास आओ, तो कहते हैं नहीं, सभी रास्ते एक ही जगह जा रहे हैं। तो भाई ये तो दुविधा है, सभी रास्ते एक जगह जा रहे हैं, लेकिन हमें रूट तो एक ही पकड़ना पड़ता है। अगर बम्बई जाना है, बम्बई में भी कई रास्ते जाते हैं, पर जहाँ से तुम्हें बम्बई जाना है, सबसे आसान और नज़दीक का रास्ता अगर तुम्हें मिल रहा है तो उससे जाना चाहिए। ये बोल के नहीं चलेगा कि किसी भी रास्ते से बम्बई पहुँच जा सकते हैं। तो जो आत्मा का ज्ञान है, उस तक जाने के लिए सद्गुरु की नितांत आवश्यकता है, और ऐसे आत्मज्ञानी सद्गुरु को प्राप्त करना चाहिए। क्षोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ आत्मज्ञानी सद्गुरु जो हमें आत्मा का दर्शन करा दे, जैसे विवेकानंद को रामकृष्ण परमहंस ने आत्मा का दर्शन करा दिया था। तो विवेकानंद तो कई गुरुओं के पास गया, कई मठाधारियों के पास गया, कई साधुओं के पास गया, गंगा जी के घाट पर कई साधु थे, सबके पास जाते थे, सवाल जवाब करते थे, लेकिन सब उनको भटकाने वाली ही बातें करते थे कि अरे ये दिव्य ज्ञान है, ऐसे नहीं मिलता, कलयुग में नहीं मिलता, इसके लिए 1 लाख जप करना पड़ता है, 10 लाख जप करना पड़ता है, भटका देते थे। लेकिन रामकृष्ण परमहंस के परमहंस जी के पास पहुँचते ही उन्होंने उनको भी यही सवाल किया, तो रामकृष्ण परमहंस जी ने कहा कि हाँ, मैंने भगवान को देखा है, मैं तुम्हें भी दिखा सकता हूँ, और जितने पास से मैं तुम्हें देख रहा हूँ उतने ही पास से मैं भगवान को दिखा सकता हूँ। तो विवेकानंद जी ने रामकृष्ण परमहंस जी के पास जाकर वो दिव्य आत्मज्ञान प्राप्त किया, वो राज विद्या को प्राप्त किया, और उसी राज विद्या के बल पर वेदों के रहस्यों को समझ कर विदेश में अंग्रेजी भाषा में उन्होंने विदेशी लोगों को जब समझाया तो विदेश वेस्टर्न कंट्रीज उनके दीवाने हो गए, क्योंकि आज तक ऐसा ज्ञान, ऐसा दिव्य रहस्यमय वक्तव्य, ऐसे चीज को उन्होंने देखा ही नहीं था। तो विवेकानंद का डंका बजने लगा, उनके सत्संग, उनके प्रवचन होने लगे विदेश में, वेदांत के रहस्यों को विदेशी लोग आत्मसात करने लगे। उस वेदांत के रहस्य को आत्मसात विवेकानंद जी तभी कर पाए जब गुरु ज्ञान उनको हुआ। उसके पहले भी वो बड़े ज्ञानी थे, विद्वान थे, बड़े बड़े ग्रंथ, वेस्टर्न फिलोसोफर्स के ग्रंथ वो पढ़ते थे, लेकिन फिर भी एक चीज़ जो मिसिंग थी, जो एक चीज़ उनके पास नहीं थी, वो थी सच्चे गुरु नहीं थे। जब सच्चे गुरु मिले तो हर चीज़ के ऊपर का पर्दा खुल गया। दिव्य दृष्टि के समान उन्हें हर चीज़ के पीछे का अर्थ दृष्टिगोचर होने लगा, वेदों के रहस्य समझ में आने लगे, उपनिषदों के रहस्य समझ में आने लगे। तो विवेकानंद जी धन्य हो गए। इसलिए हमें हमारे भारत के उस संत की प्रेरणा लेनी चाहिए, संत से, और अपने जीवन को महान बनाना चाहिए आत्मज्ञान को प्राप्त करके। केवल दुनियादारी की बातें करके कल्याण नहीं होने वाला, और आज के कोरोना के इतने भयंकर समय में ये हंस का ध्यान या आत्मा का ध्यान ही हमें काल से बचाएगा, हमारी रक्षा होगी। नहीं तो चूहे की तरह, कॉकरोच की तरह आज लोग मर रहे हैं, और उन्हीं की तरह उनका दफनाया और जलाया जा रहा है। तो हमारी गति ऐसी ना हो। हम इस दिव्य मनुष्य शरीर को प्राप्त किए हैं, हम दिव्यत्व में से आए हैं,
तो दिव्यत्व को ही प्राप्त करे, ना कि इसी ऐसी मौत मरे जो आज दुनिया में सब जगह व्याप्त हो रहा है काल। तो इसीलिए संतों के विचारों को ध्यान से सुनो, संतों के विचार बड़े बड़े सुंदर ग्रंथों में प्राप्त होते हैं, उनको पढ़ो, सदग्रंथों को पढ़ो और अपने मन को अच्छाई की ओर ले जाओ, अपने मन को शुभ विचारों की ओर ले जाओ, तभी यह काल का भय हमें व्याप्त नहीं करेगा, तभी इस कलयुग से हम आगे के दिव्य युग में प्रवेश करेंगे। यही सबका सपना है कि सतयुग कब आएगा, तो जब हम बदलेंगे तभी सतयुग आएगा। तो इसलिए इतना ही विचार रखते हुए उस परमपिता परमात्मा से प्रार्थना करते हैं कि परमपिता परमात्मा सभी मानवता को रास्ता दिखाए, अपने दिव्य स्वरूप तक सभी जीवों को ले जाए, सबको सद्गुरु के दर्शन हो, सभी लोग इस महामारी से उबर जाए और पुनः भारत में स्वतंत्र और सुंदर अपने निर्भय जीवन को सभी जिए। यही प्रभु के चरणों में प्रार्थना करते हुए ये विचार यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद। महात्मा व्योम भाई जी का बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत ही सरल शब्दों में और अध्यात्म से परिपूर्ण अपने विचारों में भाई जी ने बताया कि मनुष्य शरीर पाकर भी मानव भौतिक जगत की सारी जानकारी प्राप्त कर लेता है, परंतु वह आध्यात्मिक जगत में और अपने अंदर के रहस्य को नहीं जान पाता। भाई जी ने बताया कि आत्मा शक्ति का पुंज है और इसके रहस्य को जानने के लिए, इसके दर्शन करने के लिए हमें सतगुरु की आवश्यकता पड़ती है। जब सतगुरु के आशीर्वाद से हम आत्मदर्शन करते हैं तो हमारे अच्छे संस्कार उत्पन्न होते हैं और हमारे विचार शुद्ध बनते हैं। ठीक उसी प्रकार से जैसे पारस एक लोहे को स्पर्श करने के बाद सोना बना सकता है, लेकिन सतगुरुदेव तो अपने शिष्य को उस आत्मज्ञान को देकर के अपने समान बना लेते हैं। तो यही हमारा सौभाग्य कि हमारे को इतना सुंदर सत्संग महात्मा व्योमबाई जी के द्वारा जो प्राप्त हुआ और हमारे विचारों के अंदर जो एक अद्भुत अनुभव हुआ, उसके लिए भाई जी का बहुत बहुत धन्यवाद। सज्जनों, इस सत्संग के बाद हम एक और भजन का आनंद लेंगे और भजन के बोल है, आयु तेरी यूं ही बीत जाएगी, सतगुरु की शरण में आ जाओ। आयु तेरी यूं ही बीत जाएगी, सतगुरु की शरण में आओ जी। सुंदर मधुर प्रस्तुति के लिए मैं आमंत्रित करूंगा रिया पंडित जी को। प्रेम से बोलिए श्री सतगुरुदेव महाराज जी की जय। आयु यूं ही बीती जाए जी, सतगुरु की शरण आओ जी। तेरी आयु यूं ही बीती जाए जी, सतगुरु की शरण आओ जी। Thank you.
गुरु की शरण आओ जी, उसे अपना बनाए गुरु जी, सतगुरु की शरण आओ जी, तेरी आयु यूं ही बीती जाए जी, सतगुरु की शरण आओ जी। जन्म मरण मिटाए गुरु जी, सतगुरु की शरण आओ जी, लोभ मोह से छुड़ाए गुरु जी, सतगुरु की शरण आओ जी, जन्म मरण मिटाए गुरु जी, सतगुरु की शरण आओ जी, तेरी आयु यूं ही बीती जाए जी, सतगुरु की शरण आओ जी। सपने से जगाए गुरु जी, सतगुरु की शरण आओ जी, सपने से जगाए गुरु जी, सतगुरु की शरण आओ जी, तेरी आयु यूं ही बीती जाए जी, सतगुरु की शरण आओ जी, उसे अपना बनाए गुरु जी, सतगुरु की शरण आओ जी, ब्रह्म स्वरूप बनाए गुरु जी, सतगुरु की शरण आओ जी, लोभ मोह से छुड़ाए गुरु जी, सतगुरु की शरण आओ जी, जन्म मरण मिटाए गुरु जी, सतगुरु की शरण आओ जी, सपने से जगाए गुरु जी, सतगुरु की शरण आओ जी, तेरी आयु यूं ही बीती जाए जी, सतगुरु की शरण आओ जी, तेरी आयु यूं ही बीती जाए जी, सतगुरु की शरण आओ जी। प्रेम से बोले श्री सतगुरुदेव महाराज की जय। सुंदर भजन की प्रस्तुति के लिए रिया पंडित जी का बहुत बहुत धन्यवाद। सज्जनों, जैसे कि हमारे संतों ने कहा है, बड़े भाग्य पाइए सत्संगा, विनय प्रयास होत भव भंगा। और
रामायण में लिखा है, भक्ति स्वतंत्र सकल सुख हानि, बिन सत्संग न पावे प्राणी। यह भक्ति जो प्रभु की कृपा से हमें मिलती है सभी सुखों की कान है, और इसके लिए हमें सत्संग बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। आज हमारा सौभाग्य है कि हमें बहुत ही अनुभवी महात्मा सत्य बोधानंद जी, जो हल्द्वानी उत्तराखंड से हमें सत्संग का आनंद देंगे और अपने विचारों से हमें आनंदित करेंगे। महात्मा सत्य बोधानंद जी बहुत समय से देश के कोने कोने में सत्संग प्रचार के लिए अपना जीवन का समर्पण किया और समाज में एक अनूठी सेवा की मिसाल को जागृत किया। मैं प्रार्थना करूंगा महात्मा सत्य बोधानंद जी से कि वो हमें अपने अनुभवपूर्ण विचार एवं सत्संग से आनंदित करें। महात्मा सत्य बोधानंद जी। बंदहु दीन दयालु हरि, कृपा सिंधु सुख धाम, जगदीश्वर प्रभु हंस को कोटि कोटि प्रणाम। जगदम्बे माता राजि राजेश्वरी, प्रभु हंसम जगद्गुरुम पाद पद्मे तयो श्रित्वा प्रणमामि मुहुर्मुहुर्। अखंडानंद बोधाय शिष्य संतापहारिणी सचिदानंद रूपाय तस्मै श्री गुरुवे नमः, तस्मै श्री गुरुवे नमः। प्रेम से बोलिए श्री सद्गुरुदेव महाराज की जय। त्रिभुवनपति आनंद कंद भगवान की जय। परम आराध्य जननी श्री माता जी की जय। सभी दिव्य महान विभूतियों की जय। सभी परम आदरणीय संत महात्मा गण, पूज्य भाई जी गण, आदरणीय महानुभावों, भगवत भक्तों, प्रेमी सज्जनों, संसार में जो मनुष्य को आने के बाद जो मनुष्य जीवन का उद्देश्य क्या है उसे समझना नितांत आवश्यक है। हमारे संतों ने कहा है, हरि का भजन और पेट का धंधा, जो न करे नर मूर्ख अंधा। रेलगाड़ी चलती है तो दोनों पटरी पर चलती है, एक पटरी पर अगर भार हो जाएगा तो ट्रेन पलटी हो जाएगी और हम अपने मकसद पे, हम लक्ष्य पे नहीं पहुंच पाएंगे। इसी प्रकार से हमारे महान पुरुषों ने, संतों ने समझाने का प्रयास किया कि जिंदगी भी एक रेलगाड़ी की तरह है और ये मानव शरीर जो तन रूपी जो रेलगाड़ी है, इसको जिंदगी के दोनों पटरी पे बराबर चलाने हैं। एक है माया की पटरी और एक है भक्ति की पटरी, और अगर जो दोनों पटरी पे रेलगाड़ी जो चलेगी तो सही सलामत इंसान उस परम पिता परमात्मा के धाम में पहुंच सकता है, अपने लक्ष्य की प्राप्ति कर सकता है। अक्सर देखने को मिलते हैं कि हम एक पटरी पे हम बहुत दबाव देते हैं, हम भौतिकवाद के पटरी पर दबाव देते हैं और अध्यात्म की पटरी को हम छोड़ते चले जाते हैं, और इसीलिए आज मानव का जो जीवन है, जो परिस्थितियाँ है, वो भयावह परिस्थिति बन चुकी है, दुखमय परिस्थिति बन चुकी है। तो इस भय से मुक्त होने के लिए, हम दुखों से बचने के लिए, हम दोनों को बैलेंस रख करके चले, और यही संत महात्मा और सद्गुरुदेव महाराज जी के चरणों से हमें ज्ञान की प्राप्ति होती है कि हे मानव, तू दोनों बैलेंस को साथ लेकर चल, एक माया की पटरी और एक भक्ति की पटरी, और जब दोनों पटरी आपका बैलेंस रहेगा तो जीवन रूपी जो रेलगाड़ी है, जो मानव का जो तन है, जो शरीर है, वो सुखमय हमको उस परम पिता परमात्मा के धाम में पहुँचाने का कार्य करता है। एक चंदन का वृक्ष होता है और चंदन जो पूरा जो खुशबू से लदा हुआ है, पर जब तक हवा की झोंका ना चले, हवा का सहारा ना मिले, तो चंदन अपनी जो खुशबू को नहीं महका सकती है। इसी प्रकार से हर मनुष्य के अंदर, हर व्यक्ति के अंदर वो परम पिता परमात्मा का सुगंध जो मौजूद है, विराजमान है, पर जब तक वो सदगुरु के चरणों में नहीं जाते हैं और सदगुरु महाराज के चरणों में बैठ करके हम निष्काम भाव से प्रार्थना नहीं करते, और जब तक जो सदगुरु की हवा रूपी वयार नहीं चलती है, तो फिर हम जब तक जो उस राम नाम के जो खुशबू से हम खुशबू को प्राप्त नहीं कर पाते हैं।
तो सदगुरु के चरणों में बैठने के बाद जीव जो इस जन्म मरण के चक्र से मुक्त हो जाता है, और इसीलिए संतों ने कहा है कि पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम यह संसारे खल तुस्तारे कृपा पाही पाही मुरारे भज गोविंदम भज गोविंदम भज गोविंदम मूढ़मते। बार बार व्यक्ति माता के जठराग्नि में कष्ट पाता रहता है, हम बार बार वो जन्म मरण के चक्र में फंसता रहता है, तो संतों के शरण में आने से हम जन्म मरण के आवागमन के चक्र से बच जाते हैं और उस ईश्वर को अपने अंदर में प्राप्त करके हम भवसागर से हम मुक्त हो सकते हैं। सदगुरु का जो ज्ञान है, अथाह दरबार है, एक समुद्र की तरह है। आप समुद्र अथाह है, विशाल है, पर हमारी मतलब हमारे पास जो पात्र कौन सा है ये हम पर डिपेंड करता है। हम समुद्र के पास में हम लोटा लेकर जाएंगे तो लोटा भर पानी लाएंगे, हम ग्लास लेकर जाएंगे तो ग्लास भर पानी लाएंगे, हम बाल्टी लेकर जाएंगे तो बाल्टी भर पानी लाएंगे। समुद्र अथाह है, अपार है, पर हमारे पास हम जितना गहरा बर्तन होगा उतना ही जो पानी का संचय हम अपने पात्र में कर सकते हैं। इसी प्रकार से हम गुरु महाराज जी का जो हम दरबार है वह अथाह है, अनंत है, सारे ज्ञान से सेवा से विज्ञान से भरा पड़ा हुआ है। पर हमारे हृदय की गहराइयां हम कितना है, हृदय का शुद्धतम हृदय स्थल कितना है, ये हम पर डिपेंड करता है। और हमारा हृदय हम जितना जो शुद्ध होगा हम निर्मल होगा उतना हम इस गुरु दरबार से हम ज्ञान को हम सेवा को हम शिक्षा को हम अच्छाइयाँ को प्राप्त कर सकते हैं और अपने हम जीवन को सफल और सार्थक बना सकते हैं। अक्सर लोगों से मुलाकात होता है तो आम व्यक्ति ये कहते हैं कि संसार में हम किसी से नहीं डरते, हम केवल भगवान से डरते हैं और भगवान के अलावा हम किसी से नहीं डरते। हम कहते हैं महानुभावो आपके सोचने में और हमारे सोचने में कुछ फर्क है। आप कहते हैं हम किसी से नहीं डरते, हम केवल भगवान से डरते हैं। जो पर ज्ञानी भक्त होता है, जो ज्ञानी महापुरुष होते हैं, वो कहते हैं कि हम भगवान से भी नहीं डरते, जो क्योंकि भगवान हमारे माता पिता है, सदगुरुदेव हमारे माता पिता है। और एक बालक जब गलती करता है और जब माता पिता के हम चरणों में प्रार्थना करता है, क्षमा याचना करता है, तो सदगुरु का हृदय बड़ा विशाल होता है और सदगुरु रूपी जो भगवान होते हैं, इष्ट होते हैं, वो बालक को माफ कर देते हैं। इसीलिए भगवान से डरने की आवश्यकता नहीं है। अगर आपको डरना है तो अपने जो कर्मों से डरिए, जो क्योंकि कर्म किसी को माफ नहीं करता है। कर्म प्रधान विश्व रचि राखा और जो जस करहि सो तस फल चाखा। हमारे माता पिता हमें माफ़ कर देंगे, भगवान हमें माफ़ कर देंगे, सदगुरुदेव महाराज हमें माफ़ कर देंगे, पर हमारा कर्म हमें कभी माफ़ नहीं करेगा। इसलिए गुरु महाराज जी के हम दरबार में आने के बाद, सेवा करने के बाद, सत्संग को श्रवण करने के बाद, हृदय मंदिर में जो हम उस परम पिता परमात्मा का प्रकाश रूप में जो हम दर्शन करने के बाद, जो व्यक्ति को समझ में आता है कि हमें कर्म कैसा करना चाहिए, और कर्म प्रधान है, वर्क इज वर्शिप, कर्म ही पूजा है। तो कर्म की जो महानता है, कर्म की जो प्रधानता है, वह सदगुरुदेव महाराज की जो चरणों से हमें समझ में आता है और उसको हम समझ करके हम अपने हम जीवन को सफल और सार्थक बनाते हैं। आम आदमी कहते हैं ज्ञान क्या होता है जी, हम तो गीता को पढ़ते हैं, हम रामायण को पढ़ते हैं, हम भागवत को पढ़ते हैं, हम शास्त्रों को पढ़ते हैं, हम इंटरनेट पर, हम यूट्यूब पर, हम गूगल पर हम सब जानकारी लेते हैं, फिर सदगुरु की क्या आवश्यकता है, हमें ज्ञान की हम क्यों आवश्यकता पड़ती है? और आज समाज में ज्ञान होता क्या है? जो ज्ञान कोई साधारण वस्तु नहीं है कि हमने जान लिया, हमने प्राप्त कर लिया। आपने देखा होगा कि शेरनी का दूध जो होता है वह दो ही जगह टिकता है, या तो शेरनी के बच्चे के मुख में टिकता है या तो सोने के बर्तन में टिकता है। अगर दो चीज को छोड़ देंगे आप तो शेरनी का दूध और जो कहीं नहीं ठहरता, वो पृथ्वी को फोड़ करके पाताल लोक में जाता है, फिर नाग किन्नर वहां उसको पी करके अपने सुधा को शांत करते हैं। इसी प्रकार से जो ज्ञान बहुत सारा है, गीता का ज्ञान है, रामायण का ज्ञान है, भागवत का ज्ञान है, वेद और उपनिषद शास्त्रों का ज्ञान है, पर सदगुरु महाराज जो आत्मा का ज्ञान देते हैं, आत्म ज्ञान परम ज्ञानम, सारे ज्ञान का मूल आत्म ज्ञान है, राज विद्या है, सभी ज्ञान का राजा है, वह आत्म ज्ञान सदगुरु के चरणों से प्राप्त होता है। पर उस जो हम ज्ञान की प्राप्ति कर लेने के बाद भी वो टिकता उसी भक्त के हृदय में है, जो हम उसी जिज्ञासु के हृदय में टिकता है कि जिसका हृदय सोने की तरह पवित्र हो चुका है। और जब तक उसका मन का मंदिर शुद्ध नहीं होगा तो ज्ञान फलीभूत नहीं होता है। इसीलिए
हमें उपदेश प्राप्त करने से पहले सेवा करके, जो गुरु दरबार में सेवा करने से हमारे सारे मल विक्षेप आवरण जो धुल जाते हैं, हमारा मन निर्मल हो जाता है। और तभी संतों ने कहा कि भजन करो मन कंचन होगा, जग में सफल तेरा जीवन होगा। तो ज्ञान की प्राप्ति कर लेने के बाद जीवन के अंदर में ध्यान, साधना, सत्संग, सेवा नितांत आवश्यक है। ये तीन मूल आधार हैं हमारे, सेवा भी, सत्संग भी और सुमरण भी। आप देखते हैं कि हमें किसान होता है तो किसान अपने खेत के अंदर में बीज लगाते हैं, तो बीज लगाने से फसल तैयार नहीं होता। हम बीज लगाने के बाद उसकी जो गुड़ाई भी करते हैं, सिंचाई भी करते हैं, समय पे खाद भी डालते हैं, फिर समय आने पर धीरे धीरे रे मना धीरे सब कुछ होए, माली सींचे सौ गरा ऋतु आए फल होए, फिर वक्त आने पर समय आने पर उस जो ऋतु में फल की प्राप्ति होती है। इसी प्रकार से हम गुरु दरबार में जब धीरे धीरे हम आएंगे, हम गुरु दरबार को समझेंगे, हम सेवा करेंगे, हम सत्संग सुनेंगे और उस नाम का बोध जब हमारे हृदय मंदिर में हो जाएगा, मन मंदिर तन भेष कलंदर घटी तीर्थ नावा, एक शब्द तेरे प्राण बसत हैं बहुरी जन्म नहीं आवा। जो एक शब्द है जो प्राइमोडियल है, इन द बिगिनिंग वाज द वर्ड वाज विथ गॉड एंड द वर्ड वाज गॉड, जो था है और रहेगा, जिसका नाश नहीं होता है, आदि सच, जुगादि सच, होंदी भी सच, जो सत्य था है और रहेगा कि जिसका नाश नहीं होता है, वो सत्य का ज्ञान, वो अविनाशी ज्ञान, वो प्राइमोडियल ज्ञान जब हमें सदगुरु के चरणों से जब प्राप्त हो जाता है, तो व्यक्ति उसको अभ्यास करके, जो बैराग करके करत करत अभ्यास ते जरमत होत सुजान और रसरी आबे जाते तो सिल पर परत निशान, जिसको अभ्यास से बैराग से उसको जीवन में साधते हैं, उसका अभ्यास करते हैं और फिर हृदय मंदिर में बैठ करके आनंद को प्राप्त करते हैं, फिर वो परमानंद में समा जाते हैं और जब परमानंद में आत्मा से परमात्मा का मिलन होता है, तब कहा है कहा सुनी की है नहीं, देखा देखी बात और दुल्हा दुल्हन मिल गए तो फीकी पड़ी बरात। ये ज्ञान की जो भाषा है ये गूंगा है। हम गूंगे को गुड़ खिला दें और हम पूछे कि आपको जो कैसा लगा, आनंद आया, मतलब उसे खुशी हुई, मीठा है, पर उसका बखान नहीं कर सकता। इसी प्रकार से जब हमको सदगुरु के चरणों से जब आत्मज्ञान की प्राप्ति होती है, जब हम भक्त समाज हम बैठकर जब साधना करते हैं, हृदय मंदिर में जब आनंद की प्राप्ति करते हैं, तो उसका बखान नहीं कर सकते। जो करता है उसे उसकी अनुभूति होती है, इसीलिए ज्ञान का चमत्कार नहीं होता, क्योंकि ज्ञान हृदय मंदिर में स्थापित हो जाने के बाद सौम्य सद्भावना भाईचारा एकता को प्रादुर्भाव करता है। और ज्ञानी की पहचान ही होती कि जो ज्ञानी मारे ज्ञान से, कि जो ज्ञान की जो चोट होता है वो हृदय मंदिर को निर्मल कर देता है। हम कई भक्तों की कहानी सुनते हैं, एक नाथ की कहानी सुनते हैं कि कैसे वो अपने सदगुरु हम जनार्दन जो स्वामी के हम चरणों में गए और कैसे निष्काम भाव से सेवा किया, और फिर उनके जो सदगुरु महाराज थे, जो हम जनार्दन जो स्वामी थे, तो कैसे एक नाथ की भक्ति से प्रसन्न होकर के उनको अपने हृदय से लगाते हैं। तो गुरु दरबार में सेवा का महत्व है। हम जगत जननी माता जी हमेशा सुनाया करती थी कि सेवा करने वाले भक्त सबसे सर्वोपरि होते हैं, सेवा से सारे सुखों की प्राप्ति होती है। इसीलिए हम शिवाजी महाराज की हम कहानी को सुनते हैं, हम प्रहलाद की कहानी को सुनते हैं, भक्त अरुणी की कहानी को सुनते हैं कि कैसे सेवा करके अपने गुरु महाराज जी की आत्मा को प्रसन्न किया। तो सत्संग अपनी जगह है, ध्यान साधना सुमरण अपनी जगह है, पर पहला सीढ़ी जो गुरु दरबार का है वह सेवा है, क्योंकि सेवा करने से हमारे जो पूर्व जन्म के जो संस्कार हैं, जो मैल विक्षेप आवरण है, वो सारे संस्कार कट जाते हैं और हमारा जो मन है वह निर्मल हो जाता है, हमारा हृदय शुद्ध हो जाता है और तब हम अपने मन मंदिर में हम बैठ करके, हम ध्यान करके, हम अपने अंतर आत्मा को शुद्ध करते हैं। और तब संतों ने कहा कि मन मंदिर दिल द्वारिका काया काशी जान और दसवां द्वारा तेरा तामे ज्योति पहचान। फिर दसवां द्वार के अंदर में प्रवेश करके आदमी शांत चित्त होकर के शुद्ध मन से हृदय मंदिर में बैठ करके और दसवां द्वार के अंदर में वो शिव नेत्र को खोल करके ईश्वर का दर्शन करता है और उस परम आनंद को पा करके अपने जीवन को सफल और सार्थक करते हैं। हमें छोटी सी बात याद आई कि भक्त का जो हम जीवन जो कैसा होना चाहिए, क्योंकि भक्त बहुत सारे हैं। आज संसार की परिस्थिति ऐसा है कि गुरु ज्यादा शिष्य जो कम है,
हर जगह गुरु का अंबार लगा हुआ है कि जहां देखे वहां सदगुरु है, आश्रम है, संस्था है। पर कहा है कि नाना पंथ जगत में निज निज गुण गावे और सबका सार बताकर सदगुरु मारा लगे। सदगुरु महाराज जो होते हैं वो मत मतांतरों में नहीं उलझाते हैं, वो सीधा ज्ञान मार्ग दे करके हमारे हृदय मंदिर में सच्चा जो ज्ञान को, प्रकाश को, जो हम ज्योति को दिखा करके और सारे अंधकार को दूर कर देते हैं। हम लोग सुनते हैं कि गुरु चार प्रकार के होते हैं। हाँ जी, पारस रूपी गुरु होते हैं, फिर दीपक रूपी गुरु होते हैं, फिर चंदन रूपी गुरु होते हैं और भृंगी रूपी गुरु होते हैं। तो पारस लोहे को सोना तो बना सकता है पर अपने समान हुआ पारस नहीं बना सकता। दीपक होता है वो बुझे हुए को जला सकता है, अंधकार में प्रकाश का वातावरण फैलाता है जो आपको अंधकार को हटा करके प्रकाश देता है। पर उनमें एक कमी है कि दीपक सबको प्रकाश देता है, बुझे हुए को जलाता है, पर खुद वह अंधेरा में रहता है। हाँ, चंदन है वो सबको खुशबू फैलाता है, सब कुछ करता है, पर भृंगी की विशेषता है कि भृंगी छोटे छोटे जो कीड़े मकोड़ों को पकड़ के लाता है, अपने बिल में डालता है और अपने स्वर को सुना करके, अपनी नाद को सुना करके, अपनी वाणी को सुना करके अपने समान भृंगी बना देते हैं। हमें भी गुरु महाराज जी जो ज्ञान देते हैं वो भृंगी रूपी ज्ञान देते हैं कि सदगुरु कर ले आप समान। सदगुरु और पारस में जो बड़े अंतर हो जान, सदगुरु मतलब आपके जो पारस जो लोहे को सोना करे, सदगुरु कर ले आप समान। कि पारस तो लोहे को सोना करता है पर सदगुरु जो होते हैं वो अपने समान बना देते हैं कि जाति पाति कुल धर्म मान सबको हटा करके कि कहाँ की जाति कहाँ की पाति और राम का नाम जपो दिन राति। जो राम का नाम है, जो ज्ञान है, उसको हृदय मंदिर में जो स्थापित करके अपने ज्ञान का बोध करा करके अपनी जो शब्द का नाद सुना करके और अपने समान पतित पावन बना देते हैं, सदगुरु के समान बना देते हैं। तो चारों गुरु में जो श्रेष्ठतम गुरु है वो भृंगी रूपी गुरु है और वही ज्ञान सदगुरुदेव महाराज की कृपा से हम सभी भक्तों को, हम प्रेमी सज्जनों को हमें प्राप्त हुआ है। तो हम अहो भाग्यशाली हैं कि ऐसे ज्ञान को प्राप्त करके अपने जीवन को सफल और सार्थक बनाए। हाँ, संत कबीर कहते हैं, जो कहता हूँ कहे जात हूँ कहीं बजावे ढोल, श्वासा खाली जात है तीन लोक का मोल, ऐसे महंगे मोल का एक श्वास जो जाए और 14 लोक न पड़तरे क्यों तू धूर मिलाए। आज सारे संसार में जो कोरोना का महामारी फैला हुआ है, हर व्यक्ति ऑक्सीजन के लिए तरस रहे हैं। आप जहां भी अस्पताल में जाकर के देखिए, ऑक्सीजन आकाश में है पर आज ऑक्सीजन जो व्यक्तियों को मिल नहीं पा रहा है। आज व्यक्ति ऑक्सीजन के बिना अपने शरीर का जो त्याग कर दे रहे हैं वो मृत्यु के घाट उतर जा रहे हैं। पर कबीर महात्मा कहते हैं कि श्वासा खाली जात है तीन लोक का मोल, एक श्वास निकल जाने के बाद हम तीनों लोगों की संपत्ति दे दे उसके बाद भी श्वास वापस नहीं मिलता है। ऐसे अनमोल श्वास के अंदर में वो परम पिता परमात्मा का सार शब्द जो ज्ञान है उसकी प्राप्ति हमें गुरु महाराज ने किया है। हम जन्म जन्म भी अगर सेवा करें तो सदगुरु के सेवा से हम ऋण से मुक्त नहीं हो सकते हैं। ऐसा अनमोल खजाना जो श्वासों के अंदर जो छुपा हुआ है, 21,600 श्वास प्रतिदिन हम ले रहे हैं, छोड़ रहे हैं, और जो अज्ञानी नर है, जो भावुक लोग हैं, जो उस श्वास के अंदर में उस अमृतमय नाम को जो नहीं जानता है उसके श्वास यूं ही बीत रहा है। तो यही कबीर महात्मा कहते हैं कि श्वासा खाली जात है तीन लोक का मोल, और ऐसे महंगे मोल का एक श्वास जो जाए 14 लोक न पड़ तरे क्यों तू धूर मिलाए। तो ऐसे विषम जो परिस्थिति में, ऐसे भयावह जो वातावरण में हम सब हृदय मंदिर में उस नाम का आराधना करें, उस नाम की उपासना करें, उस नाम की साधना करें, और नाम ही है जो हम सबको रक्षा कवच बन करके इस भयावह परिस्थिति से हमें बल देगा, हमारे अंदर हिम्मत पैदा करेगा। और जब हमारे अंदर हिम्मत साहस होगा तो हम इस बीमारी से जूझ सकते हैं, हम लड़ सकते हैं, हम समाज की सेवा कर सकते हैं। तो नाम तो राम से बड़ा राम का नाम और अंत में निकला ये परिणाम। तो नाम की महिमा रामायण के बालकांड में भूरी भूरी प्रशंसा गाई गई है, पर वह नाम की महिमा आज हमें गुरु महाराज जी की हम कृपा से समझ में आया है। हम जब तक नाम को नहीं जानते थे, हम कई बार रामायण को पढ़ें पर हमें समझ में नहीं आया, जो पर जैसे सदगुरु की कृपा से, संतों के आशीर्वाद से हमें नाम की प्राप्ति हुई।
हमने नाम को हृदय मंदिर में जाना, और फिर जब हम रामायण के पन्ना पलटे, हमने बालकांड पढ़ा, हमने उत्तरकांड पढ़ा, हम किष्किंधा कांड, फिर लंका कांड, हम अयोध्या कांड पढ़े, तो एक एक शब्द हमें समझ में आया। तो ये होता है कि हम ज्ञान को जो हम जानने के बाद, और ज्ञान के जानने से पहले हमारे हम जीवन में क्या मतलब परिवर्तन आते हैं। हम बार बार बालकांड में पढ़ते हैं कि नाम की महिमा क्या है, एक छत्र एक मुकुटमणि सब वर्णन पर जोई, तुलसी रघुवर नाम को वरण विजारत दोई। अब हम बहुत इसको ढूंढते थे, पकड़ते थे, खोजते थे, विद्वानों से पूछते थे, हम महात्माओं से पूछते थे, हम शास्त्रियों से पूछते थे, कोई कुछ कहता था, कोई कुछ कहता था, कोई कुछ कहता था। पर जब गुरु महाराज की शरणागत हुए, जब एक हृदय को हम पवित्र किए और जब नाम का बोध हुआ, तो तुरंत समझ में आया कि यह नाम क्या है। आज जो जिज्ञासु लोग हैं, जो यह कहते कि राम से बड़ा राम का नाम क्या है, वो नाम क्या हो सकता है, तो एक गणित का मैथमेटिक्स प्रश्न है कि वो नाम को हम कैसे समझे, हम कैसे जाने, हम कैसे हम सच्चे सदगुरु की प्राप्ति करें। तो कहते हैं नाम के अक्षर चौगुण कर, हाँ पुनी पांच मिलाई के दो गुण कीजिए, और आठ से भाग दिए करुणा निधि, शेष बचे चित में धर लीजिए। हम कोई भी नाम ले, हम राम का नाम ले, हम शिव जी का नाम ले, हम कृष्ण जी का नाम ले, हम किसी भी इष्ट देवी देवता का नाम ले, और इस मैथमेटिक्स को हम अगर अपनाएंगे, हम मान लीजिए भगवान राम का ही नाम ले, तो राम में दो अक्षर हैं, तो नाम के अक्षर चौगुण कर, अगर हम जो दो को हम चार से गुना करते हैं तो आठ होता है, फिर पुनी पांच मिलाए, हम पांच मिलाते हैं तो आठ और पांच तेरह होते हैं, फिर दो से गुना करते हैं तो तेरह दुना जो छब्बीस होता है, फिर आठ से भाग देते हैं तो शेष दो बच जाता है, आठ त्रियम चौबीस, शेष दो बच गया। इस हम फार्मूला को अपना करके देखें तो एक अक्षर से लेकर के अनंत अक्षर तक के नाम को हम इस सवाल से जोड़ेंगे, हम फार्मूला को हम अपनाएंगे तो अंत में शेष दो ही बचता है। और यही तुलसीदास जी रामायण में कहते हैं कि वह दो अक्षर का नाम है, और एक के ऊपर छत्र लगा हुआ है और एक के ऊपर मुकुट मणि लगा हुआ है, एक छत्र एक मुकुट मणि सब वर्णन पर जोई, तुलसी रघुवर नाम को वर्ण विराजत धोई। कि वह परम पिता परमात्मा का नाम, अविनाशी नाम जो है, अजपा नाम, गायत्री जो है, वह सबके श्वासों में रमन कर रहा है। श्वासों की कर सुमरणी, अजपा को कर जाप, ब्रह्म तत्वों को सार है नाम अपने आप। वह परमपिता परमात्मा का नाम हमारे अंदर में 24 घंटा चल रहा है, पर हम जो कई बार शास्त्रों को पढ़ते हैं, हम उपनिषदों को पढ़ते हैं, हम वेदों को पढ़ते हैं, और कई विद्वानों से इसका चर्चा करते हैं, परिचर्चा करते हैं, व्याख्यान करते हैं, पर सब ढूंढने के बाद भी हमें नाम की प्राप्ति नहीं होती है। तो मानव उत्थान सेवा समिति का दरबार, अखिल भारतीय संत समाज, पूरे विश्व विख्यात, पूरे संसार में फैले हुए हैं, और ऐसे मानव धर्म का प्रणेता सदगुरुदेव श्री सतपाल जी महाराज के शिष्य संत महात्माओं के द्वारा आज पूरे शास्त्रों पर आधारित, वेदों पर आधारित, हम उपनिषदों पर आधारित आज उस नाम का बोध हमारे हृदय मंदिर में कराया जाता है, हमारे श्वासों के अंदर कराया जाता है। और आज लाखों लाख भक्त अपने हृदय मंदिर में, अपने श्वासों के अंदर में अजपा नाम गायत्री को जान करके, अविनाशी नाम को जान करके, और अपने जीवन को सफल और सार्थक बना रहे हैं। तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि जो भी महानुभाव हैं, हम जिज्ञासु हैं, जो भक्त हैं, जो प्रेमी सज्जन हैं, उनसे मेरा विशेष आग्रह है कि जिन लोगों ने इस अनमोल खजाना को अपने हृदय में प्राप्त किया हुआ है, अपने हृदय मंदिर में आत्म ज्ञान को प्राप्त किया हुआ है, वह भजन करे, ध्यान करे, साधना करे। क्योंकि इस विपरीत परिस्थिति में केवल जो नाम ही वो आधार है जो आपको बचा सकता है, सदगुरु की जो कृपा और नाम से ही हम इस भवसागर से पार हो सकता है। जो जिज्ञासु हैं, जो सेवा करते हैं, जो सत्संग सुनते हैं, वो अपने अपने शाखाओं में, आपका आश्रम है, हम गुरु महाराज ने इतनी कृपा किया है भक्तों पे कि आज पूरे संसार के अंदर में ऐसा कोई शहर नहीं है कि जिस शहर में श्री गुरु महाराज जी का दरबार नहीं है, संत महात्मा नहीं है। पर आज हमें थोड़ा सतर्क होने की जरूरत है, हमें परीक्षण करने की जरूरत है, हमें आत्मसंयम रख करके हमें ढूंढना पड़ेगा कि जिन खोजा तिन पाइया, हम गहरे पानी पैठ, और मैं बाबरी डूबन डरी रही किनारे पैठ। जो खोजता है उसे मिलता है। अगर हम नहीं खोजेंगे, हाथ में हाथ धर के बैठे रहेंगे, तो हमें उस ज्ञान की प्राप्ति होने वाला नहीं है। तो सभी महानुभावों से, हम जिज्ञासुओं से हम प्रार्थना करना चाहते हैं कि आप शास्त्रों को पढ़ें, आप वेदों का स्वाध्याय करें,
आप अध्ययन करें और अध्ययन करने के बाद आप इस नाम को खोजें, आप सर्चिंग करें, क्योंकि जब तक खोजोगे नहीं आपको मिलने वाला नहीं है। आप उसको खोजिए, हाँ ढूंढिए, और फिर ढूंढने के बाद संतुष्टि मिलता है तो बहुत खुशी की बात है, और नहीं तो मानव उत्थान सेवा समिति का हम दरबार जो पूरे संसार में फैला हुआ है, अब मानव उत्थान सेवा समिति के हम दरबार में हम जा करके, हम संत महात्माओं के चरणों में बैठ करके, हम ज्ञान पे चर्चा करके, शास्त्रों पे आधारित उस जो हम ज्ञान को हम जान सकते हैं। सब कहते हैं जी मान लो, पर मानव उत्थान सेवा समिति का अपना लक्ष्य है कि पहले जानो बाद में मानो सदगुरु हंस का ज्ञान। केवल मानने से काम नहीं चलता। हम मान लीजिए एक हमारे भाई बैठे हैं, हमने कहा जी मैं आपको भाई मानता हूं, हम भाई मानते हैं मतलब वो मेरा सगा भाई नहीं है, लेकिन उसी जगह अगर हमारा अपना भाई आ जाए तो हम ये नहीं कहेंगे कि ये मेरे, कि मैं इनको भाई मानता हूं, हम कहेंगे ये मेरे भाई साहब हैं। तो भाई साहब हैं तो वहां माना नहीं जाता, ही द मतलब जो प्रेजेंट वो मौजूद हैं, इसीलिए उनको मानते नहीं है। लेकिन जो प्रेजेंट जो नहीं है, जो हमारा अपना नहीं है, उनको हम मानते हैं कि हमारे भाई हैं, तो ये हमारे जो बहन है, धर्म के माता, धर्म के पिता है। तो हम संसार के लोग हम भगवान को मानते हैं, पर संत कहते हैं कि आप उसे जानो, अपु नपो को आप ही में पायो, सबद ही सबद भयो उजियारो, सदगुरु भेद बतायो, अपु नपो को आप ही में पायो। तो ज्ञान जानने का विषय है, जो ज्ञान मानने का विषय नहीं है। और जब हम जान जाएंगे तो उस ज्ञान की जो अनुभूति होगी उसका हम वर्णन नहीं कर सकते हैं, उसका हम बखान नहीं कर सकते हैं, हम गूंगे की तरह हम गुड़ खाकर आनंद ले सकते हैं पर उसका बयान नहीं कर सकते। इसी प्रकार से उस नाम को जानने के बाद हम अनुभव कर सकते हैं, हम जीवन को सफल और सार्थक कर सकते हैं। तो सभी जिज्ञासु से मैं निवेदन करूंगा कि अवश्य आप दरबार से जुड़े, आप दरबार में आए, संत महात्माओं से प्रार्थना करके उस हृदय मंदिर में उस परम पिता परमात्मा को जाने। तन चलता फिरता मंदिर है, भगवान इसी के अंदर है। हाँ, दी बॉडी इज टेम्पल ऑफ गॉड, गॉड इज वन एंड लव इज गॉड एंड गॉड इज लव। ये तन चलता फिरता मंदिर है, ये मंदिर महफूज है, तो बाहर के सारे मंदिर आपके महफूज हैं। हम सभी देवी देवताओं के हम दर्शन कर सकते हैं, पर ये मन मंदिर नहीं है, ये मानव तन का चोला नहीं है, तो बाहर के मंदिरों में हम देवी देवताओं के, हम भगवान के, हम ईश्वर के दर्शन नहीं कर सकते। तो पहले मन मंदिर को महफूज करें, हम मन मंदिर के अंदर में हम साधना करके अपने अंदर से आत्म बल को प्राप्त करें, आत्म बल को प्रखर मात्रा में हम उसका प्रचुर मात्रा में हम उसका आवरण करें, हम शक्ति का संचार करें, और फिर संसार काम सेवा करके हम मानव उत्थान जो सेवा समिति का सेवा करके, हम सद्गुरु महाराज की हम सेवा करके अपने जीवन को सफल और सार्थक बनाए। तो और अधिक नहीं कहते हुए जो मैं अपने वाणी को जो विराम दूंगा, बोले सद्गुरुदेव महाराज की जय। महात्मा जी का बहुत बहुत धन्यवाद। महात्मा जी ने कितने सरल शब्दों में हमें समझाया कि जीवन को सुखमय बनाने के लिए माया और अध्यात्म दोनों पहलुओं पर बैलेंस करना होता है। यदि हम केवल एक ही पहलू पर आगे और दूसरे पर समानांतर नहीं चलेंगे तो हमारा जीवन सुखमय नहीं बन सकता। अध्यात्म ज्ञान जो हमें सद्गुरुदेव की कृपा से प्राप्त होता है तो हमारा हृदय पवित्र होता है, वही ज्ञान फलीभूत होता है जिसमें सेवा का भाव होता है और मनुष्य के कर्म अच्छे बनते हैं। जब सद्गुरुदेव की कृपा से एक भक्त को, एक मनुष्य को आत्मज्ञान मिलता है तो वह सेवा का महत्व समझने लगता है और अपने जीवन को सेवा के द्वारा शुभ कर्म और अग्रसर होने के लिए हमेशा तैयार रहता है। धन्यवाद महात्मा जी का इस सुंदर विचार के लिए और हमारे जीवन में आनंद की प्राप्ति के लिए। सज्जनों, जैसे कि आपको मालूम है कि यह कार्यक्रम प्रत्येक रविवार को
सायकाल 4:30 बजे से 6 बजे तक यूट्यूब और फेसबुक पर हमें मानव धर्म चैनल पर मिलता है। मैं आप सब लोगों से प्रार्थना करूंगा कि आप मानव धर्म चैनल को यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें और प्रत्येक रविवार को साय 4:30 बजे इस कार्यक्रम का आनंद मिले। आइए मिलते हैं अगले रविवार को साय 4:30 बजे। एक वंदना के साथ कार्यक्रम का समापन करेंगे। सर्वे भवन्तु सुखिना, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। आज के इस कार्यक्रम में सभी पूज्य महात्माओं का, भाइयों का, भजन कलाकारों का और श्रोतागण का हृदय से बहुत बहुत आभार और नमन।